जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन व सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सिटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मालखेड़ा फंटे पर एक ट्रक से एक क्विंटल डोडा चोरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी अनुसार सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक PB13AV9393 में अवैध डोडा चोरा रखकर मालखेड़ा फंटे से गुजरने वाला है। थाना प्रभारी ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर मालखेड़ा फंटे बाईपास के यहां नाकाबंदी करवाई, जहां उक्त ट्रक को रुकवाया और अधिकारियों ने ट्रक से प्लास्टिक के चार काले रंग के कट्टों में रखा एक क्विंटल डोडा चोरा जब्त कर ट्रक को जब्ती में लिया। साथ ही पुलिस ने लुधियाना पंजाब में रहने वाले तस्कर सरजीत पिता चमन सिंह को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। साथ ही सिटी पुलिस अब आरोपी से पता लगाने में जुटी है कि वह डोडा चोरा कहां से लाया था और किसे देने जा रहा था। यह आज हमारी टीम को विश्वसनीय सूचना पर भेजा गया था हाईवे पर। इसमें एक ट्रक पंजाब पासिंग है 9393, उसमें अवैध डोडा चोरा जा रहा है, उसे रोका। ड्राइवर सरजीत सिंह सरदार है, पंजाब का लुधियाना का रहने वाला है। वो अपनी ट्रक में चार बोरों में पिसा हुआ एक क्विंटल डोडा चोरा अवैध मादक पदार्थ ले जा रहा था, जिसको पकड़ा और वैधानिक कार्रवाई NDPS एक्ट के अंतर्गत की जा रही है।